गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। तीन दिवसीय दौरे पर 9 दिसंबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पिपराइच चीनी मिल में करेंगे सल्फरलेस शुगर प्लांट की परियोजना का लोकार्पण। यूपी में उड़ान भरेंगे फ्लाइंग क्लब्स। उड्डयन प्रशिक्षण के लिए सरकारी हवाई पट्टियों के इस्तेमाल की नीति में होगा बदलाव। फ्लाइंग क्लब्स को होगी सहूलियत। प्रस्तावित नीति पर सीएम योगी ने दी सैद्धांतिक सहमति। कृषि कानून के विरोध में आंदोलित किसानों द्वारा घोषित भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं से पुलिस की कई स्थानों पर हुई झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। शहर में चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही फोर्स। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से गतिविधियों की गई निगरानी। 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पिपराइच चीनी मिल में होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का डीएम एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने लिया जायजा। कार्यक्रम को सफल बनाने के दिए निर्देश। 9 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंचाई विभाग के 9 नियुक्त नलकूप चालकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, करेंगे संवाद स्थापित। मुख्य विकास अधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुई मार्गदर्शी बैंक जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक। बैंकों के क्रियाकलापों की गई समीक्षा। सीडीओ ने कहा शासन की योजनाओं को पहुँचाए लाभार्थियों तक, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। महानगर में भारत बंद आंदोलन रहा बेअसर। खुली रही दुकानें, नागरिकों का आवागमन रोज की तरह रहा सामान्य। सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस के समापन अवसर पर सम्मानित हुए कोतवाली प्रकोष्ठ के वार्डन। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने कहा लॉकडाउन के दौरान नागरिक सुरक्षा के वार्डनों ने किया बेहतर कार्य। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 47 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,342। अब तक 326 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 419 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत रामचरित मानस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 8 विद्यालयों के छात्रों ने किया प्रतिभाग। 10 दिसंबर को विजयी प्रतिभागियों को किया जाएगा सम्मानित। और जिले में मंगलवार की सुबह जब लोगों की नींद खुली तो कोहरे में लिपटा हुआ नजर आया पूरा शहर। ठंडे हुए मौसम से बादलों की ओट में छिप गया सूरज। घने कोहरे के चलते लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेडलाइट जलाकर चलाएं गाड़ी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ऐसे ही रहेगा मौसम।